हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ट्रांसफार्मर क्या है और यह कैसे काम करता है। जैसे एक मोटर एक डिवाइस है, वैसे ही ट्रांसफार्मर भी एक डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मोटर बिजली की खपत करता है और हमारा ट्रांसफार्मर बिजली को कम या ज़्यादा करता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें एक मोटर को चलाना है जो 415 वोल्ट पर चलती है, लेकिन हमारे पास सप्लाई 11000 वोल्ट तक की आती है, तो ट्रांसफार्मर इस सप्लाई को स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट बनाता है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि तांबे की तारों को लपेटकर बनाया जाता है। वहीं वाइंडिंग के बीच में लोहे और सिलिकॉन की पत्तियों की बनी कोर होती है। यह वाइंडिंग एक आयताकार बॉक्स में आमने सामने रखी जाती है। आइए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। वोल्टेज, करंट, MMF, फ्लक्स, ये चार कारकों पर ट्रांसफार्मर काम करता है। प्राइमरी साइड पर जब वोल्टेज देते हैं तो उसमें करंट प्रवाह होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण चुंबकीय वाहक बल अर्थात MMF पैदा होने लगता है, जिसके कारण फ्लक्स पैदा होता है। और फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को जब काटता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट का प्रवाह सेकेंडरी साइड भी होने लगता है। यह दो प्रकार की होती है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लपेटों की संख्या कम तथा सेकेंडरी साइड में लपेटों की संख्या ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स काटे और ज़्यादा वोल्टेज पैदा की जा सके। अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। प्राइमरी साइड में चक्रों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी चक्रों की संख्या को कम रखते हैं, ताकि कम फ्लक्स वाइंडिंग को काटे और वोल्टेज भी कम की जा सके। बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग, अर्थात स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज कनेक्शन में स्टार वाइंडिंग की बात करें तो इसमें तीन फेज RYB और इनके बीच का जो केंद्र बिंदु होता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है। डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग में तीन फेज RYB होते हैं। दो वितरण ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है, और पारेषण लाइनों में प्राइमरी और सेकेंडरी डेल्टा टू डेल्टा होती है, और उत्पादन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग स्टार टू डेल्टा होती है। बाद में इसे पारेषण लाइन के लिए डेल्टा टू डेल्टा ही आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।